अमीर रहीम बीटा लेक्टम्स को हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था आज हम देखने लगे हैं अपने बाकी दो बीटा लेक्टम्स को ठीक है जिसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी मोनोबैक्टम ठीक है मोनोबैक्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास एक एक ही ड्रग आ जाती है जो आपने याद रखनी है ठीक है उसका नाम क्या है हमारे पास उसका नाम है जी एस्ट्रोन ठीक है आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एस्ट्रोनेम होता है वो रेजिस्टेंट होता है टू तो द बीटा एक्टेमेज़स ठीक है तो इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बीटा लक्टेमेज प्रोड्यूस भी कर रहा है स्टिल उसके अंदर मोनोबैक्टम यानी कि जो एस्ट्रोनैम है वो इफेक्टिव होगा ठीक है बिकॉज इट इज़ रेजिस्टेंट टू बीटा एक्टेमेजिस अगर हम बात करें इसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की तो एक ग्राम नेगेटिव रॉड्स के खिलाफ इसकी अच्छी एक्टिविटी होती है और उन ग्रैम नेगेटिव रॉड्स में हमारे पास आ जाती है क्लबजियालस की स्पीशीज़ ठीक है उसके अलावा आपके पास उसमें सूटोमनास आ जाता है एंड इंदराज आपके पास स्पीशीज आ जाती हैं, ठीक है सो so, इन ग्राम नेगेटिव रॉड्स के खिलाफ मोनोबैक्टम की बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है और फिर आपने याद रखना है कि जो मोनोबैक्टम होता है उसको हम लोग जो है आई के थ्रू देते हैं ठीक है और मजे की बात यह है कि हम लोग उन पेशेंट्स के अंदर भी दे सकते हैं जिनको पेनिसलिन से एलर्जी है ठीक है यानी कि हमारे पास जो 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 मोनोबैक्टम एस्ट्रोन इसकी कोई क्रॉस एलर्जी नहीं होती पेनिसिलिन के साथ ठीक है आम तौर पर क्या था कि अगर किसी एक बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आप बाकी कोई भी पेनिसिलिन उसको नहीं दोगे इवन आप आपस्पोलिन भी नहीं देते लेकिन अब हमें ये इसमें फ़ायदा हो गया कि अगर किसी बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी है और उसको इनमें से किसी एक ऑर्गेनिज्म ने जो है ना इन्फेक्ट किया है तो हम लोग उसके अंदर क्या दे सकते हैं मोनोबैक्टम्स दे सकते हैं ठीक है दे आ जाते हैं हम अपने सेकेंड बिटल आइटम की तरफ दैट इज कार्बापेनम ठीक है कार्बापेनम्स के अंदर आपको जो है तीन चार ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए इसमें आपके पास कौन कौन से ड्रग्स आ जाती है इसमें आपके पास इमी पेनम आ जाता है ठीक है उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है डोरी पेनम ठीक है देन आ जाता है हमारे पास मीरो एंड इन द लास्ट इर्टा पेनम. और आपने याद रखना है ये चारों ड्रग्स जो हैं यानी कि जो आपके पास कार्बोपेनम्स हैं ये सारे के सारे जो है ना बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है ये बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कवर करते हैं सो दे आर वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ठीक है और आपने याद रखना है कार्बोपेनम्स जस्ट लाइक मोनोबैक्टम दे हैव लो सेप्टेबिलिटी टू तो बीटा एक्टेसिस ठीक है जो ऊपर मोनोबैक्टम्स थे वो तो बिल्कुल रेजिस्टेंट थे ना कार्बोपेनम्स का भी हमें यह फायदा है कि बीटा एक्टेमेस से काफी इनकी लो सेसेप्टेबिलिटी होती है तो अगर कोई ऑर्गेनिजम बीटा एक्टेज प्रोड्यूस कर भी रहा है तो कार्बोपिनम्स की उनके खिलाफ अच्छी एक्टिविटी होगी ठीक है अब कौन कौन

ठीक है तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंजाइम है रीनल डी हाइड्रोपेप्टीडेज वन जो कि क्या करते हैं हमारे पास ईमी पेनम को डीग्रिएट कर देता है ठीक है इमी पेनम की फिर ज़ाहरी बात है हमारी बॉडी के अंदर उसके लेवल्स भी कम हो जाएंगे तो हम लोग जब भी इमी पेनम को देते हैं तो हम लोग उसको साथ किसके देते हैं सिलास्टिन के देते हैं ठीक है इससे ये फायदा होता है कि वो रीनल डी हाइड्रोपेप्टीडेज वन को इनहिबिट कर देता है और उसके लेवल्स जो हैं फिर इमीपेनम के बॉडी के अंदर वो डिक्रीज नहीं होते फिर उसके डिजायर्ड इफेक्ट्स हमें मिल जाते हैं सो हमेशा आपने इमी पेनम को जो है ना सिलास्टिन के साथ देना होता है ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट बात ही आपने याद रखनी है अब जी बड़ी ही इंपॉर्टेंट ड्रग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वनकोमाइसिन ठीक है अब याद रखना आपने कि वनकोमाइसिन जो है ये हमारे पास नॉन बीटा लैक्टम ड्रग है ठीक है हम लोग जितने भी बीटा लैक्टम थे चार थे हम लोग चारों को पढ़ चुके हैं जो वेनकोमाइसिन एट इज़ अ नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पहले तो हमें पता होना चाहिए इसको समझने के लिए कि नॉर्मल हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर मैंने ड्रा किया बैक्टीरियल सेल मैम ठीक है इसके ऊपर जो है मैं ड्रा करूँगी बैक्टीरियल सेल वॉल सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता होगा इसमें हमारे पास नैम मॉलिक्यूल्स होते, है, होते हैं ठीक है नैम अटैच होता है हमारे पास नैक के साथ नैम मीन्स एनएसटाइल न्यूरामिक एसिड एंड नैक मीस एनएसटाइल ग्लूकोज अमीन ठीक है दोनों साइड पर मैं ये ड्रॉ करूँगी ठीक है उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये हमारे पास अटैच होते हैं डी एल टर्मिनल के साथ डी क्या है हमारे पास एक अमाइनो एसिड है अब देखेंगे दूसरी साइड पर भी मैंने यही स्ट्रक्चर ड्रा किया डी एल मैंने ड्रा किया ठीक है उसके साथ मैंने नैक मॉलिक्यूल बनाया उसके साथ मैं ड्रॉ करूँगी नैम मॉलिक्यूल ठीक है तो एक ही तरह का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इसको हम लोग पिप्टोक्लाइकन स्ट्रक्चर बोलते हैं जो कि हमारे पास सेल वॉल बनाती है बैक्टीरिया की अब नॉर्मली क्या होता है हमारे पास इस डी एल आर डी एल आर टर्मिनल ने आपस में क्रॉस लिंक करना होता है बाय ट्रांस ग्लाइकोसाइलेजिस के थ्रू ठीक है सो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेजिस दोनों के दरमियान क्रॉस लिंकिंग करवाता है हमारे पास डी एल आर डी एल आ टर्मिनल्स के दरमियान लेकिन जो वेनको है वो आके क्या करता है डी एल आर डी एल आ टर्मिनल के साथ जाके बाइंड हो जाता है तो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेजिस अपना काम नहीं कर पाते तो इस वजह से हमारे पास क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी सो नो क्रॉस इसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होगा जो सेल है वो हमारे पास बैक्टीरियल सेल क्या कर जाएगा डाई कर जाएगा ठीक है जैसे मैंने आपको यहां पर दिखा दिया अब हम यहां देखना जो हैं जो मेनको इंतहाई नेरो स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ग्राम पॉजिटिव की कवरेज करती है ठीक है और उस ग्राम पॉजिटिव में आपके पास क्या, क्या क्या आ जाती है आपके पास खतरनाक ऑर्गेजम्स जिसमें आपके पास मरसा आ गया आपके पास पीआरएसपी आ गई ठीक है इसके अलावा सी डिफिसाइल कोलाइटिस के अंदर भी आपके पास मेनकोमाइसिन आ सकती है सो so ये जो है ना बस ये ओनली जो है इसके आपके लो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी आपने अच्छे से याद रखना है उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैंने एक्जैक्टली exactly वैसे ही बैक्टीरियल सेल वॉल नीचे ड्रॉ किया अब डिफरेंस ये है कि ऊपर जो हमारे पास डी एल ए डी एल ऑर्मिनल है वो नीचे जो है रिप्लेस हो जाएगा बाय डी लैक्टेड से ठीक है सो डी एल को ही रिप्लेस कर दिया है बैक्टीरिया ने डी डीक्टेड से तो अब क्या होगा कि जो नॉर्मली डी के साथ वेनकोमाइसिन बाइंड हो रही थी अब डी लेक्टेड जो है उसके साथ वैनकोमाइसिन आके बाइंड नहीं करेगी क्योंकि वेनकोमाइसिन जस्ट डी डी के साथ बाइंड करती है ठीक है सो डी लेटेड से रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया वनकोमाइसिन

नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है ठीक नेफ्रो है नेफ्रोटॉक्सिक के अलावा हमारे पास ऑटोटॉक्सिक भी होता है ठीक है और लास्ट पर जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है हमारे पास रेड मैन सिंड्रोम इसमें क्या होता है जब आप रेपिडली आई वी इफ्यूजन के थ्रू वन देते हो तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना फ्लशिंग स्टार्ट हो जाती है यानी कि फुल बंदा जो है ना रेड हो जाता है और वो फ्लशिंग क्यों होती है वो फ्लशिंग इस वजह से होती है कि रैपिड आई वी इन्फ्यूजन की वजह से हमारे पास क्या हुआ है हमारे पास हिस्टमिन रिलीज़ हुआ है ठीक है सो स्टमिन के रिलीज़ होने की वजह से बंदे की फुल अपेरेंस ना रेड हो जाती है फ्लशिंग स्टार्ट हो जाती है ठीक है सो तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड मैन सिंड्रोम और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स का वो हो जाता है कम्प्लीट